गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कौशल्या कुमारी, टीजीटी इकोनॉमिक्स, जीएम प्लस टू हाई स्कूल, रामगढ़। बच्चों, आज के क्लास में हम क्लास 10th के अध्याय 2, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, अगर मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो पिछले क्लास में हमने इसी चैप्टर का अध्ययन किया था, और अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। तो पिछले क्लास में जो हमने अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अभी फिलहाल हम उसको रिपीटेशन कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक आखिर है क्या। तो बच्चों, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, जैसे हमने बताया था कि हमारे आसपास जो डेली आर्थिक जो गतिविधियां होती रहती हैं, तो उसको कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर अलग-अलग समूहों में उसको बांट दिया जाता है। तो जब महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को अलग-अलग समूहों में बांटा जाता है, तो उसे अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहते हैं। और ये जो महत्वपूर्ण मानदंड है, जैसे आर्थिक कार्यों के आधार पर, रोजगार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, तो हमारे देश भारत में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को इन महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर ही 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो वर्गीकरण किया गया है वह आर्थिक कार्यों के आधार पर किया गया है, और उसमें पहला जो वर्गीकरण हमारा है वो प्राथमिक क्षेत्रक है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक, और तीसरा तृतीयक क्षेत्रक। तो पिछले क्लास में हमने प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में पढ़ा था कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो वह जो गतिविधि हमारी है वो प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि के अंतर्गत उसको शामिल किया जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? तो द्वितीयक क्षेत्रक में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए उसे अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा था कि जैसे कपास की जो खेती है वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है, और कपास से फिर उसको सूत काटना और मिलों में उसे कपड़ा तैयार करना वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है। अब हम तृतीयक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र में स्वतः किसी वस्तु का उत्पादन तो नहीं किया जाता, लेकिन प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसमें तृतीयक क्षेत्र के द्वारा सहायता पहुंचाई जाती है। जैसे हमने कहा था कि मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक में किसी वस्तु का उत्पादन हो गया, तो उसे थोक विक्रेता तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रकों या बसों इत्यादि परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, या अगर बहुत बड़े पैमाने पर हमें उत्पादन करनी है उस वस्तु की, तो पैसे को या अगर ऋण की हमें आवश्यकता है तो उसे बैंकों से हम ऋण के रूप में धन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हमारा परिवहन है, बैंक है, भंडारण है, बीमा है, ये सब हमारे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम रोजगार के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है उसको देखेंगे, साथ ही स्वामित्व के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। तो हमारे देश में रोजगार के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है संगठित क्षेत्रक और दूसरा असंगठित क्षेत्रक। अब हम देखते हैं कि संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में क्या अंतर है, और इस अंतर को समझाने के लिए हमारे जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 2 कहानियों का सहारा लिया गया है। इसमें 2 किरदार लिए गए हैं, कमल और कांता का। तो इसमें कहानी के थ्रू ये बताया गया है कि जो कांता है वो किसी ऑफिस में काम करती है, और जब उसे काम दिया गया था तो उसे जो ज्वाइनिंग लेटर है वो उसे उपलब्ध कराया गया था। साथ ही रविवार टाइम से वो 9 बजे पहुंचती है, 5 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, और उसको रविवार की छुट्टी होती है, उसमें उसके लिए उसका वेतन नहीं काटा जाता है, अर्थात उसे सवेतन उसका जो अवकाश है उसे उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही चिकित्सीय अवकाश भी दिया जाता है उसको, और महीने के अंत तक उसको वेतन मिल जाता है। दूसरी तरफ कमल के विषय में कहा गया है कि वो एक दुकान में काम करने के लिए जाते हैं, और वहाँ वो सुबह 7 बजे पहुँचते हैं और 8 बजे तक उससे काम लिया जाता है। किसी भी तरह की उसको कोई छुट्टी नहीं है, और दैनिक मजदूरी पे वह काम करते हैं, साथ ही किसी भी तरह के चिकित्सीय अवकाश वगैरह उपलब्ध उसको नहीं कराया जाता है।
तो इस आधार पे हम देखते हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्रक में क्या अंतर है। तो संगठित क्षेत्रक में वे कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि जो है वह नियमित होती है, और असंगठित क्षेत्रक में रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। असंगठित संगठित क्षेत्रक में जो भी कार्य स्थान आते हैं वे सरकार द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं, और असंगठित क्षेत्रक में जो काम है वो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। संगठित क्षेत्रक में लोगों को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है, लेकिन असंगठित क्षेत्रक में रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। इसके साथ ही संगठित क्षेत्रक में बहुत सारे सरकारी नियम और विनियम होते हैं जिनका पालन किया जाता है, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है। ये सब जो नियम है उनका पालन अनुपालन करना आवश्यक होता है, लेकिन असंगठित क्षेत्रक में नियम तो बनाए जाते हैं लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया जाता है। इसके साथ ही संगठित क्षेत्रक में सवेतन अवकाश, चिकित्सीय अवकाश जो है आपका हो गया, और प्रोविडेंट फंड वगैरह बहुत सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्रक में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह हमने देखा कि संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में क्या अंतर है और ये किसे कहते हैं। अब हम स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को देखेंगे। तो हमारी अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर भी दो भागों में उसको बांटा गया है, एक है सार्वजनिक क्षेत्रक और दूसरा है निजी क्षेत्रक। अब सार्वजनिक क्षेत्रक क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध सुनिश्चित करती है, जैसे इसका एग्जाम्पल रेलवे है। तो आखिर यहाँ पे एक बात सवाल उठता है कि आखिर सार्वजनिक क्षेत्र की हमारे यहाँ आवश्यकता पड़ी क्यों? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता सभी लोगों को होती है, समाज के सभी लोगों को उसकी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, और निजी क्षेत्र जो सुविधाएं वो होती है वो इतना उसमें खर्च करना पड़ता है उस सुविधाओं को उपलब्ध कराने में कि निजी क्षेत्र के क्षमता से वो बाहर होता है। और अगर उन सुविधाओं को निजी क्षेत्र अगर उपलब्ध भी करा देते हैं तो हो सके वो उनके महंगे कीमत वो जनता से वसूलें। इसलिए सरकार जो है इन सुविधाओं पर खर्च खुद वहन करती है और लोगों को ये जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराती हैं। और कुछ किसी भी देश में कुछ ऐसी सुविधाएं होती हैं जैसे सभी के लिए शिक्षा की सुविधाएं, सभी के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है और इन पर भी खर्च सरकार ही वहन करती है। अब है निजी क्षेत्रक, तो इसमें परिसंपत्तियों पर जो स्वामित्व होता है वह किसी निजी व्यक्ति, एकल व्यक्ति या कंपनी का होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने दिया है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसमें किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व है। बच्चों अब हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, हमने पहले ही इसके बारे में पढ़ा है। अब हम अपने देश भारत में देखते हैं कि भारत में प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक की क्या स्थिति है। तो विगत जो हमारे पिछले कुछ वर्षों में अगर उनके उत्पादन में ध्यान दिया जाए, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में ध्यान दिया जाए, तो हालांकि तीनों के उत्पादन में तो वृद्धि हुई है लेकिन सबसे अधिक वृद्धि अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तो अर्थात इसका जो महत्व है तृतीयक क्षेत्र का हमारे देश में वो बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि किसी भी देश में अगर प्राथमिक क्षेत्र का विकास हो रहा है, द्वितीयक क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो ऑटोमेटिक स्वतः ही वो तृतीयक क्षेत्र का विकास होता जाएगा। इसलिए अगर हमारे देश में प्राथमिक क्षेत्र का विकास हो रहा है, उत्पादन में उसमें बढ़ोतरी हो रही है, द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है, तो जाहिर है स्वाभाविक है कि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इसका एक और कारण यह भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई भी देश है वो, तो उसमें कुछ बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा है, शिक्षा के लिए स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। आपका स्वास्थ्य है तो लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, परिवहन चाहिए उनके लिए, बैंकिंग सुविधाएं, रक्षा,
मतलब ये जो सुविधाएं हैं, आपका व्यापार हो गया, ये बुनियादी सुविधाएं किसी भी देश के लिए कहा जा सकता है। और इन सुविधाओं के विकास से ही देश का विकास होता है। कोई भी देश चाहता है कि हमारा देश विकास करे, और इसके विकास के साथ ही तृतीय क्षेत्र का भी विकास होता जाता है। हमारे यहाँ एक और प्रवृत्ति यह है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लोगों को जो खर्च करने की प्रवृत्ति है वो भी बढ़ती जाती है। अलग अलग प्रवृत्ति चेंज होते जाती है। जैसे 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 आय बढ़ती है, लोग रेस्टोरेंट की मांग करते हैं, पर्यटन क्षेत्र में घूमना फिरना चाहते हैं, निजी विद्यालय की मांग करते हैं, निजी अस्पताल की मांग करते हैं, जिसके कारण तृतीय क्षेत्र का जो महत्व है हमारे देश में वो बढ़ते जा रहा है।